ये मैं साहब चार्जर लगा लूं। जी बेटा, सो क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स क्या है एक्चुअली? इट इज अ ब्रांच ऑफ जेनेटिक्स व्हिच डील विद दोज कैरेक्टर्स व्हिच आर कंट्रोल्ड बाय मेनी जीन्स, या पॉलीजेनिक वेरिएशन आप कह सकते हो, वो क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स है। जी बेटा, समझ आ गई? अच्छा जी बोले। हमजा अली, हमजा जी सर, बायोमेट्री क्या होता है भाई? बायोमेट्री क्या होता है? बायोमेट्रिक्स आर स्टडी ऑफ स्टैटिस्टिकल टूल्स इन जेनेटिक्स और एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल, एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल प्रॉब्लम्स, use of statistics to solve the biological problems. Bio or metry, दो different words है। Bio living और metry जो है वो क्या होगा? Calculations. Actually biometry जो है, biometry जो है वो एक political word है। सबसे पहले जो है ये पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स के लिए ये वर्ड यूज किया जाता था। मोस्ट ऑफ द टाइम बायोमेट्री जो है वो यूज होती थी फॉर सेंसेस, मतलब सेंसेस का क्या मतलब है किसको पता है? सेंसेस का क्या मतलब होता है? विकास बताएगा, अभी विकास बताएगा। विकास क्या होता है? सेंसस। पर क्या सेंसस है? सेंसस सेंसस सेंस मतलब सेंस तो वो होते हैं तमीज वगैरह। पहले सुना है कभी सेंसस क्या नहीं, नहीं सर सेंसेस सुना होगा शेखन, अब दिमाग में नहीं आ रहा सर क्या है। सुना होगा अब दिमाग में नहीं आ रहा। जी नदीम, पार्डन मी, मैं लफ्ज़ से पहले दफा सुना ये सेंसेस का वर्ड, पहले कभी नहीं सुना? नहीं सर, सेंसेस के बाद वो फाइव सेंसेस जो पढ़ते थे। नहीं वो नहीं, एक हिस्सा होती है सेंसर। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आज स्पेल देख लीजिए। जी सर, सर ये सही को कहते हैं या वो एयर्स को? सर एयर्स को काउंट करने के लिए, सर एयर्स को करने के लिए सेंचुरी नहीं होती? अच्छा, मर्दमशुमारी का वर्ड सुना है किसी ने? जी सर ये वो है। मर्दमशुमारी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेंसस। सेंसस सर, पर जो स्पेल की मिस्टेक थी अन्य बात को यहां से मैंने भी गूगल से देखा, वो भी यही कह रहा है। क्या कह रहा है सर? वो मतलब शुमारी कर रहा है, पहले बता रहा था सर। हां जी, मतलब शुमारी को ही कहते हैं। सो बायोमेट्री जो है सबसे पहले यूज हुई थी पॉलिटिकली सेंसस के लिए। सेंसस मतलब मर्दमशुमारी के लिए यूज होती थी, जस्ट कैलकुलेट करना कि कितने लोग हैं किस एरिया में, कितने लोग हैं, और उस हिसाब से किस एरिया को कितनी इम्पोर्टेंस देनी है, ये चीज चेक करने के लिए यूज होती थी बायोमेट्री। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये वर्ड जो है वो यूज होना शुरू हुआ अपना बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, तो फिर आगे चला और ये अल्टीमेटली
क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स की तरफ आया और फिर अब हम इसको आजकल तो यूज करते हैं। ये इसकी एवोल्यूशन है, ये इसकी एवोल्यूशन है। यस, तो ये इनिशियली स्ट्रक्चर के लिए यूज होता था जस्ट। ठीक है जी, तो ये जो है वो टॉपिक थे जो आज हमने करने थे। यहाँ पे किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन हो